हिमाचल प्रदेश के किसानों ने खेती कर मेहनत तो की लेकिन उस पर पानी फिर गया। किसानों ने कृषि विभाग से धान का बीज खरीदा लेकिन उससे धान नहीं लगा, जिससे किसानों द्वारा की गई मेहनत बेकार हो गई, जिससे किसानों को घाटा हो गया। वहीं भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के जिला मंत्री कार्यकारिणी सदस्य देवी रूप सैनी, उपाध्यक्ष सोम कृष्ण शर्मा व जिला मंत्री नंदलाल की अध्यक्षता में किसानों द्वारा एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को धान की फसल खराब होने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अधिक जानकारी देते हुए देवी रूप सैनी ने बताया कि सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत वाइला के किसानों ने इस वर्ष धान के बीज कृषि विभाग के विक्रय केंद्र सुंदरनगर व हराबाग से खरीदा था। उन्होंने बताया कि इस बीज को बोने के उपरांत किसानों की धान की फसल खराब हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान का पौधा पूरी तरह से उग नहीं पाया है और इसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देवी रूप सैनी ने बताया कि ये विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है, क्योंकि ये बीज विभाग ने एक नामी प्राइवेट बीज निर्माता कंपनी से खरीदा है। उन्होंने बताया कि इससे किसानों के पिछले 6 माह के अपने खून पसीने की कमाई का कोई लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बीज के कारण किसानों की खेती बिजाई अपनी मेहनत मजदूरी का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कारण किसानों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने कृषि के लिए बैंक से ऋण लिया हुआ है और इस तरह फसल बर्बाद होने के कारण किसानों पर कर्ज का अतिरिक्त बोझ पड़ गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है किसानों के इस नुकसान की भरपाई कृषि विभाग द्वारा पूरी की जाए। इस मौके पर ग्राम पंचायत वाइला के कृष्ण चंद, कमला देवी, सुरेंद्र कुमार, सीता देवी, प्रेमलाल आदि मौजूद रहे। मैं हमारे किसानों की विभिन्न पंचायतों से जो किसान हमारे यहाँ सुंदरनगर में आए हैं, इन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को एसडीएम सुंदरनगर जी के माध्यम से दिया। जैसे जुड़ोल पंचायत, कांगू पंचायत, हराबाग पंचायत, बाइला, गांगणू, सभी कपाही पंचायत, दांडा, इधर सलापड़ पंचायत, सभी पंचायतों से हमारे किसान भाई और बहनें यहाँ सुंदरनगर में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने धान का बीज जो कृषि विभाग सुंदरनगर से लिया था, कुछ किसानों ने हरिभाग से लिया था सरकारी विक्रय केंद्रों से, वो धान का बीज बिल्कुल ही खराब निकला। अब 6 महीने किसानों ने रात दिन मेहनत की और खाद बीज बैंकों से कर्ज लिया हुआ है। अब जब फसल तैयार होने की बारी आई तो सारे पौधे खाली हैं, उनसे एक उनके एक भी धान नहीं लगा हुआ है। मेरा नाम सीता देवी है, सीढ़ी गांव से हूँ। हमने धान का बीज आवाज से लिया तो इसमें सर कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ घास ही है नजर आ रहा है। हमने इतनी मेहनत की है, हमने सिर्फ 5 बीघे लगाया है। हमने बच्चों से भी मेहनत लगाई, ट्रैक्टर की 7,000 रुपये दिया हमने लगाने का, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जो आपने फसल बोई थी उसका कितना नुकसान हुआ है आपका? 6 महीने पूरी फसल हमारी नष्ट है सर, कुछ भी नहीं है, पूरी नष्ट खराब है। वहीं एसडीएम राहुल चौहान ने कहा कि किसानों ने धान की फसल खराब होने पर ज्ञापन सौंपा है, जल्द इसे आगामी कार्यवाही हेतु सरकार को भेज दिया जाएगा। आज भारतीय किसान संघ ने मेरे पास एक ज्ञापन सौंपा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को एड्रेस किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से उनको सीड मिला था वो उनकी सारी फसल खराब हो रही है। पूछने में उन्होंने बताया कि ये सभी के साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसका नाम इन्होंने प्रोलाइन ब्रांड सीड करके लिखा है, तो उनसे जिन्होंने खरीदा था वो वाली फसल जो है वो इनकी खराब हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन हमारे थ्रू भेजा जा रहा है, तो इसको माननीय मुख्यमंत्री की सेवा में हम प्रेषित कर रहे हैं।